हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। और मेरा नाम है अभिनय और आप देख रहे हैं टेक अभिनय। तो देखिए, आपने अधिकतर स्पोर्ट्स बाइक में देखा होगा ये चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हमने ये जो चारों इंडिकेटर हैं इसका स्विच कैसे करना है। हम आपको इसको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और देखिए कैसे लगते हैं। और ये देखिए, इस पर हमारे ये हमने इस पर स्विच लगाया है। इस पर हमारे बहुत सारे मोड है, जैसे आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो आपको इसमें बार बार अलग अलग मोड मिलेंगे। ये देखिए, अभी ये दूसरा मोड आ गया। ये देखिए, आप जितनी बार इसको ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसमें अलग अलग मोड आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है इसकी वायरिंग। और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आपको इसको फिटिंग कैसे करना है फुल डिटेल में, तो आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलते हमारे वीडियो की तरफ। और अब हमने ये अमेजोन से ऑर्डर किए थे, तो देखिए हमारा अमेजोन से आ चुके हैं और अब हम इसको खोलेंगे। तो इसमें जो होता है वो HJG का हमने इसमें हजार्ड फ्लैशर के नाम से आता है। ये ऑनलाइन भी आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा और मैंने भी अमेजोन से मंगाया है। ये मेरे को 161 रुपये का पड़ा है और आप भी इसको अमेजोन से मंगा सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं हम इसको अब फिटिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास है अपनी TVS राइडर और हम इसका खोलेंगे सबसे पहले हेड। और अगर आपको इसका हेड खोलने का वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आपको फुल वीडियो बनाकर दे दूँगा। वैसे तो बहुत ही सिंपल इसका हेड खोलना, तो हमने इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो। तो चलो देखते हैं। सिंपली अब हमने इसका हेड खोल लिया है और अब हम इसके कपलिंग निकालेंगे और इसको हेड को अलग कर लेंगे पहले। तो देखिए, ये हमारा हेड हो गया अलग। और अब हम इसमें ये हजार्ड फ्लैशर जो हमारा ये ऑनलाइन आया था, अब हमने इसको लगाना है। इस पर हमारे ये जो दो तार हैं, ये ग्रीन वाला है, ये हमारे लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर पर लगेंगे। और जो ब्लैक है ये नेगेटिव है और रेड वाला है ये पॉजिटिव है। और इस पर लिखा भी है आपको कि जो कौन से कलर का तार कौन सा है। तो हमने जो इसमें जो रेड वाला वायर है, हमने इसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ना है, या हम बैटरी से ना जोड़ के इग्निशन स्विच से जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा जब चाबी ऑफ, इसको हमने जोड़ना है। जो हमने ये स्विच लगाना है, हमने स्विच को लगाना है हैंडल बार पे और हमने इस स्विच से इसका जो रेड वाला वायर है इसको जोड़ना है इस पर। तो अब हम इसको छिल लेंगे। और जो हमारा जो स्विच का एक वायर, तो हमारा जो इसका रेड वाला वायर है इस पर कनेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा स्विच का दूसरा वायर है ये हमारा जाएगा डायरेक्ट जो हमारा इग्निशन वाला कपलिंग है, हम उसमें जोड़ेंगे इसको। तो देखते हैं, अब हमने इसको हैंडल बार पे इसको फिट कर लिया है स्विच को। और इसको फिट करना बहुत ही सिंपल है। इस पर आपको एक स्क्रू मिलेगा, आपने इस स्क्रू को खोल के इसको हैंडल पे लगा के फिर स्क्रू कस लेना है। और अगर दोस्तों आपको बाइक से रिलेटेड कोई और वीडियो अगर चाहिए हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, जिससे आप हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आ सकें। हमने रेड वाला वायर इसमें कर लिया है कनेक्ट और अब हमने इस पर टेपिंग कर लेनी है अच्छे से, जिससे हमारा करंट कहीं से भी लूज़ ना हो। तो जो हमारा ये बाइक में रेड वाला कपलिंग दिख रहा होगा आपको, जो हमारा ये रेड वाला कपलिंग दिख रहा है आपको, ये हमारा इग्निशन वाला कपलिंग है। ये हमारी TVS राइडर है। बाकी और अधिकतर गाड़ियों पर ये अधिकतर रेड ही कलर का दिया रहता है, क्योंकि हमारा मेन 12 वोल्ट DC होता है। तो हमने इसको इस पर जोड़ लेना है। और जो हमारा ये आपको ग्रीन वाला कपलिंग दिख रहा है, ये हमारा इंडिकेटर का है। हमारे इसमें दोनों इंडिकेटरों में अलग अलग कपलिंग दिया, हमने डायरेक्ट इसका वायरिंग भी कपलिंगों से जोड़ लिया है। और हमको इस पर गाड़ी का बिल्कुल भी कोई भी वायर कटिंग नहीं किया है हमने, जिससे हमें हमारा जो गाड़ी है हमारा वारंटी पर रहे। दोस्तों इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका रेड वाला वायर है आपने उसको पॉजिटिव मतलब प्लस वाला जहां साइन हो उसमें ही जोड़ना है, और जो
ब्लैक वाला है उसको आपने ग्राउंड देना है, मतलब इसको आप कहीं भी बॉडी से दे सकते हो। बस आपको इसमें प्लस और माइनस का ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारा डीसी होता है, जो डीसी करंट होता है उसमें जो प्लस वाला है वो प्लस पे ही लगता है और माइनस वाला माइनस पे ही लगता है। तो बस आपने इसी चीज़ का ध्यान देना है। और बाकी हम आपके लिए एक नया और एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसका हमने वायरिंग कर लिया है, अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं बॉडी पे, इसका न्यूट्रल लगाकर देख सकते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है, चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। अब हमने इस पर टेपिंग कर लेना है और टेपिंग करने के बाद हमने इसको हेड को बंद कर लेना है। बहुत ही सिंपल था। और अब हम इसको चेक करेंगे लगाने के बाद। और दोस्तों, हमने अपने इसी चैनल पर एक और वीडियो डाला है, हमने इसी जो हमारा TVS Raider बाइक है, हमने इस बाइक पर अपना एक फॉग लैंप लगाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फॉग लैंप है और बहुत ही उसका ब्राइट उजाला है। मैं आपको उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप हमारे उस वीडियो को भी देख पाएंगे। और अगर आपको भी जैसे जो अभी जो नई गाड़ियां आ रही हैं, इन सब में अभी आपको मालूम है कि LED लाइट दिए हैं और LED लाइट का उजाला बहुत ही कम आ रहा है अभी, तो हमें नाइट में बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में, तो इस वजह से हमने इसका सॉल्यूशन दिया है। और जो हमारा वो लाइट लगाया है हमने, वो हमारा वाइट कलर भी देता है और येल्लो भी देता है, और जो येल्लो कलर है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है वाइट के मुकाबले। तो आप हमारे उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। और ये हमने इसका कर लिया है वाइजर फिट, अब देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, और इस पे हमारे बहुत सारे मोड आते हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, इसको बार बार बटन को ऑन ऑफ करना है। और जो ये इसमें हमने बटन लगाया है बहुत ही अच्छा है, इसकी भी क्वालिटी, ये भी वाटरप्रूफ होता है, इसमें भी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आपको हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाकर देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वो मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। Thanks for watching my channel.